हमीरपुर के पुलिस लाइन दसड़का में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी रेणु शर्मा ने की। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कैंटीन के विस्तारीकरण और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया गया। हमीरपुर के पुलिस लाइन दो सड़का में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएसपी रेणु शर्मा ने की। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कैंटीन के विस्तारीकरण और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया गया। डीएसपी रेणु शर्मा ने कहा कि बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कैंटीन के विस्तारीकरण, कैंटीन में लीकर का प्रावधान और स्वास्थ्य से संबंधित के मुद्दों पर चर्चा की गई। रेणु शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी पीपीए और सामुदायिक पुलिस योजना में सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आज पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में हुई। ये क्वार्टरली मीटिंग है, ये हर 3 महीने बाद होती है। तो इसमें उन्होंने अपनी तरफ से, जो रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने मुद्दे रखे, जिसमें कैंटीन को एक्सपैंड करने के लिए एक मुद्दा है, दूसरा वो कैंटीन में लिकर का प्रावधान करने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है, और तीसरा उनके कुछ मेडिकल रीइंबर्समेंट्स का इशू है, जो विभागीय इशू है, जिसको अपने तौर पर टिकअप कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।